बेस्ट क्लैन गेम रिवार्ड फॉर यू। यस गाइस, फाइनली अपना क्लैन गेम्स यहाँ पर एंड हो चुका है एंड आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन से रिवार्ड आपको सिलेक्ट करना चाहिए अपने टाउन हॉल के हिसाब से जो कि आपको बेस्ट वैल्यू दे, एंड मैं कौन से रिवार्ड लेने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड लाइव में अपने रिवार्ड भी यहाँ पे कलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले बात करें तो भाई हमने यहाँ पर 1 लाख अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपके क्लैन ने कितने पॉइंट कंप्लीट किए, एंड हमको यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 डेज का टाइमिंग मिल रहा है, यानी कि 7 दिन के अंदर हम लोग कभी भी अपने क्लैन गेम्स रिवार्ड को क्लेम कर सकते हैं। तो टेंशन मत लेना कि भाई आज ही क्लेम करना जरूरी है, एंड उसके साथ में मेरे 4000 पॉइंट्स मैंने कंप्लीट कर लिए जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ऑल राइट गाइस, सबसे पहले आपको मिल रहा है यहाँ पर एलिक्सर। अगर आपको कुछ अपग्रेड लगाना है एंड आपको थोड़े बहुत एलिक्सर कम पड़ रहे तो फिर आप लोग इसको और जा सकते हो। उसके बाद आपको मिल रहा है क्लॉक टावर पोशन, तो भाई मैं आपको इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लोग बिल्डर बेस प्ले करते हो वहाँ पर बूस्ट वगैरह लगाते हो तो फिर भाई आप लोग डेफिनेटली अपने क्लॉक टावर पोशन को क्लेम कर सकते हो। उसके बाद मिल रहा है भाई अपना काफ़ी अमेजिंग रिवार्ड जो कि अपना 20 GMs होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पर क्लॉक टावर पोशन लेते हो, अगर आपका बाद में मन बदला इसको सेल करते हो तो आपको यहाँ पर 10 GMs मिलेगा, तो इससे अच्छा है भाई 20 GMs को क्लेम कर लो। मैं तो यहाँ पर 20 GEMS लेने वाला हूँ जो कि मुझे काफी अमेजिंग लगा। सेकंड टायर की बात करें तो सबसे पहले आपको गोल्ड मिल रहा है, वही सीन है जो मैंने आपको फर्स्ट टायर में बताया। और आपको इसकी रिक्वायरमेंट है थोड़े बहुत कम पड़ रहे तो फिर आप लोग इसकी ओर जा सकते हो। उसके बाद आपको मिल रहा है यहाँ पर हीरो पोशन जो कि आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके हीरो से यहाँ पे थोड़े बहुत रस है, आप लोग अटैक्स वगैरह काफी ज्यादा करते हो, तो भाई आप लोग डेफिनेटली हीरो पोशन की ओर जा सकते हो। मेरे हीरोज तो भाई ऑलमोस्ट यहाँ पर मैक्स ही है, तो भाई मैं डेफिनेटली इसको नहीं चूज करूंगा। उसके बाद मिल रहा है अपना ट्रेनिंग पोशन। अगर आप लोग लेजेंड प्लेयर हो मेरी तरह, अरे भाई वो वाला लेजेंड प्लेयर नहीं, अगर आप लोग ट्रॉफी पुशिंग करने में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लेजेंड लीग पसंद है मेरी तरह, तो फिर भाई आप लोग इसकी ओर जा सकते हो। मैं उस वाले लेजेंड प्लेयर की बात नहीं कर रहा था, ओके। एंड उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट टायर की जो कि अपना यहाँ पर टायर नंबर 3 होने वाला है। इसके अंदर आपको सबसे पहले मिल रहा है अपने यहाँ पर, इसके अंदर गाइस आपको सबसे पहले सोवेल ऑफ ऑब्स्टेकल देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसका यूज दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो गाइस अपने को एक न्यू ऑब्स्टेकल मिला है जो कि फुटबॉल टाइप का, अगर आप लोग इसको यहाँ पर सोवेल ऑफ ऑब्स्टेकल से यूज करते हो तो फिर आप लोग इसको ईजिली कहीं से भी मतलब इधर से उधर रख सकते हो। अभी मैं इसको मतलब इधर उधर नहीं रख सकता, तो फिर आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। अगर आपको ये इसकी जरूरत लगती है तो फिर आप लोग इसको जा सकते हो। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग इसी को लेना, इसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा अभी। एंड उसके साथ आपको मिल रहा है यहाँ पर एक रिसर्च पोशन एंड 50 GEMS। 50 GEMS तो आपको बिल्कुल से क्रॉस कर देना है, नहीं लेना है, क्योंकि भाई अगर आप लोग सोवेल को लेते हो तो अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगा तो आप लोग इसको सेल करते हो तो भाई आपको 50 GEMS रिटर्न मिल जाएंगे। तो भाई आप लोग को यहाँ पर दो चीजें मिल रही है, एक तीर से दो निशाना। आप लोग सोवेल को भी यूज कर सकते हो, अगर आपको वो नहीं जमता तो फिर आप लोग इसको 50 जेम्स में सेल भी कर सकते हो। तो भाई सिंपल सा बात है, आपको यहाँ पर सोवेल को चूज करना है। एंड अगर आपके लेबोरेटरी थोड़े मैक्स नहीं है आपके ट्रूप्स वगैरह, तो फिर आप लोग रिसर्च पोजीशन की ओर भी जा सकते हो। बाय द वे गाइस, मैंने तो अपने सोवेल को यहाँ पर चूज कर लिया सिंपल सा। एंड बात करें अपने नेक्स्ट टायर की, उसके अंदर आपको मिल रहा है सबसे पहले अपना यहाँ पर एलिक्सर जो कि भाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको उसकी नीड पड़ती तो फिर आप लोग एलिक्सर गोल्ड की ओर जा सकते हो। उसके बाद आपको मिल रहा है 6 वोल रिंग। भाई साहब अगर गाइस आप लोग के पास में भाई वोल्स को अपग्रेड करने के लिए रिसोर्सेस कम पड़ रहे एंड आपको बिना कुछ स्पेंड किए वॉल्स को अपग्रेड करना है, तो फिर आप लोग वॉल रिंग की ओर जा सकते हो जो कि काफी क्रेजी आइटम हो सकता है यहाँ पर। तो मैंने सिंपल सा वॉल रिंग को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको मिल रहा है भाई 33,000 अपना डार्क एलिक्सर। तो भाई अगर आपके पास में डार्क कम है तो डेफिनेटली आप लोग को यही चूज करना है। उसके बाद अपने यहाँ पर रिनो ऑफ बिल्डर एलिक्सर मिल रहा है, ये अपने बिल्डर बेस के काम का है। अगर आप लोग बिल्डर बेस के शौकीन हो, बिल्डर बेस को ज्यादातर प्ले करते हो, तो फिर आप लोग इसकी ओर जा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर 2x करके बिल्डर पोशन देखने के लिए मिल रहा है। तो भाई मैं तो डेफिनेटली यहाँ से बिल्डर पोशन ही लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीज अपग्रेड करना बाकी है। एंड बात करें अपने लास्ट टायर की, सो इसके अंदर आपको मिल रहा है सबसे पहले अपना बुक ऑफ बिल्डिंग जो कि भाई काफी क्रेजी आइटम होने वाला है। तो मैं तो भाई सिंपल अपना बुक ऑफ बिल्डिंग को ही लूंगा, इसका रीजन मेरे को पता चल ही गया साइज से। एंड उसके बाद हमको मिल रहा है यहाँ पर रून ऑफ एलिक्सर। अगर आपके पास में एलिक्सर नहीं है, आपको एलिक्सर का यूज करना है, तो आप लोग इसको ले सकते हो। इससे आपके पूरा एलिक्सर फुल हो जाएगा जितना आपकी स्पेस है, तो आप लोग इसको डेफिनेटली चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको 100 GEMS मिल रहा है। अगर आप लोग भी भाई जेम्स के शौकीन हो, जेम्स की थोड़ी कमी पड़ी आपके पास, तो आप लोग इसकी ओर जा सकते हो। भाई मेरे पास तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास जेम्स है, तो मैं तो भाई बिल्कुल से भी इसको नहीं लेने वाला हूँ। मैंने कुछ इस टाइप के रिवार्ड को क्लेम किया जो कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई आप लोगों ने मुझसे कुछ डिफरेंट रिवार्ड लिया या फिर इन्हीं रिवार्ड को आप लोगों ने क्लेम किया। ऑल राइट, फाइनली अपने रिवार्ड यहाँ पे कलेक्ट हो चुके। एंड अगर आप लोगों ने 4000 पॉइंट कंप्लीट किए होंगे तो आप लोग यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा रिवार्ड भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा रिवार्ड के अंदर भाई
मैं तो चूज करने वाला हूँ रून ऑफ एलिक्सर या फिर अपना रून ऑफ बिल्डर एलिक्सर। इन दोनों में से मैं एक ही चीज़ को क्लेम करूंगा क्योंकि भाई जेम्स तो मेरे पास में बहुत सारे पड़े एंड इन दोनों में से भाई एक ही चीज़ को मैं क्लेम करने वाला हूँ। लास्ट में मैं डिसाइड करूंगा कि भाई क्या लेना सही रहेगा क्योंकि भाई अभी न्यू सीजन स्टार्ट होने वाला है तो उस टाइम में मैं कुछ स्पेंडिंग वगैरह भी करने वाला हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो वीडियो भी उसका अपलोड कर दूंगा मैं, तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो भाई वहाँ पर मुझे एलिक्सर की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं अपना पहले वाला रून ऑफ एलिक्सर यूज करके इसको मैं यहाँ से क्लेम कर लूंगा। अभी तो इसमें काम करता हूँ यार, अपने बिल्डर पोशन का यूज कर देता हूँ ताकि मैं फटाफट अपना बिल्डर यहाँ पे बूस्ट हो जाए ताकि भाई फटाफट ये खाली हो जाए ताकि मैं अपने जो रिसोर्सेज है उनको मैं स्पेंड कर सकूँ। सो बस गाइस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक जरूर से कर देना, ऐसे क्लेश ऑफ क्लैन अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा आप लोगों से जल्द अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।